देख बेटा तू ना वहाँ जाके मुझे फोन कर दियो, तू जानता है मुझे कितनी टेंशन हो जाती है तेरी। हाँ मॉम मैं बेफिक्र हूँ, मैं कर दूँगा। पापा अब तक तो ट्रेन आ जानी चाहिए, लगता है लेट हो गई है। कृपया ध्यान दीजिए 1057:04:10 की देरी से आई। हो गया मेरा काम, जॉब के पहले दिन पता नहीं टाइम पे पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, अब तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम समझाओ इसे, परेशान हो रहा है पगला। चिंता की बात है पापा, पहली जॉब का पहला दिन कितना एम्बैरेसिंग होगा मेरे लिए। हेलो, जिस ट्रेन का आपने रोलिंग इंस्पेक्शन किया था उसमें हॉट एक्सल हो गया है, पूरे ब्लॉक सेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है, आप देख रहे हैं इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को। सॉरी सर मैंने ध्यान नहीं दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रभावित हुआ सिर्फ इसलिए कि सुपरवाइजर ने जल्दबाजी दिखाई और ट्रेन की सघन जांच नहीं की। अब पूरी जांच के बाद ब्लॉक सेक्शन क्लियर करवाया जा रहा है, लेकिन कितने ही लोग इस घटना से प्रभावित हो गए। हमने फिल्म के शुरू में देखा कि कैसे इस वजह से मनोज परेशान हुआ, और अब ये तो तय है कि वो नियत समय पर अपना जॉब ज्वाइन नहीं कर पाएगा। चलिए यातायात सामान्य हुआ, हालांकि काफी लोग परेशान जरूर हो गए। ट्रेन लेने वाले सभी लोग किसी न किसी मकसद से सफर पर निकलते हैं, किसी भी तरह की देरी परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन इन सुपरवाइजर साहब को एक सबक जरूर मिला है, उनकी बात यहीं खत्म नहीं होती, अब इस बारे में उनकी काउंसलिंग की जाएगी। आइए चलते हैं वहां जहां ये काउंसलिंग चल रही है। जब किसी ट्रेन के बनने के बाद रास्ते में या यार्ड में किसी एक्सेल बॉक्स बियरिंग का तापमान इतना ज्यादा हो जाए कि उसे सर्विस से हटाना पड़े, तो उसे हॉट एक्सेल या गर्म धुरा कहते हैं। हॉट एक्सेल की पहचान करने के लिए अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कीजिए। आंख द्वारा यानी ध्यान से देखें। सबसे पहले आंखों का इस्तेमाल करें और बारीकी से देखें कि बियरिंग से ग्रीस तो नहीं निकल रहा, यानी एक्सेल के चारों तरफ या व्हील पर ग्रीस का छिड़काव तो नहीं हो रहा। एक्सेल बॉक्स फ्रंट कवर या बियरिंग कहीं से क्षतिग्रस्त तो नहीं है? बियरिंग से धुआं या आग की लपटें तो नहीं निकल रही? बियरिंग का रंग भूरा यानी ब्राउन या लाल तो नहीं है? अपनी नाक का भी इस्तेमाल कीजिए, सूंघ कर देखिए कि बियरिंग से ग्रीस के जलने की गंध तो नहीं आ रही है। कानों का भी इस्तेमाल कीजिए। गाड़ी के चलने पर रोलिंग इन परीक्षण के दौरान आवाज सुनने की कोशिश करें कि बियरिंग से कोई असाधारण आवाज तो नहीं आ रही। आजकल हम बियरिंग का तापमान मापने के लिए लेजर गन या नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वैगनों और कोचों के बियरिंग्स के तापमान को लेजर गन से मापने का तरीका। ICF कोच में क्राउन बोल्ट के नीचे और एक्सेल बॉक्स के ऊपर तापमान को मापें। LHB कोच में कंट्रोल आर्म लग वाली साइड में लग के बराबर में तापमान को मापें। CTRB लगे वैगन में एडेप्टर के नीचे आउटर कप पर तापमान को मापें। हॉट एक्सेल रोकने के लिए कदम। आइए अब जानते हैं हॉट एक्सेल की घटनाओं को होने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में। हर गाड़ी का निर्धारित और नामांकित स्थल पर रोलिंग इन परीक्षण किया जाना चाहिए, और गाड़ी रुकने के तुरंत बाद लेजर गन से हर बियरिंग का तापमान नोट किया जाना चाहिए ताकि बियरिंग ठंडा न हो जाए। किसी कोच में लगे 8 बियरिंग्स के तापमान में आपस में काफी फर्क पाया जाता है। यदि किसी एक्सेल में 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाए तो उस स्थिति में
इस तरह कार्यवाही करें। किसी कोच या वैगन के बियरिंग्स के तापमानों में यदि 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर हो तो वो वैगन या कोच आगे जाने के लिए सुरक्षित है। यदि तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो इसकी जानकारी अगले स्टेशन को भी दें, ताकि वहां उसकी जांच फिर से की जा सके। और अगर ये तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस है तो गाड़ी के साथ एस्कॉर्ट करें, और रास्ते में जब भी गाड़ी रुके उसके तापमान को चेक करते रहें। ऐसा ना हो कि तापमान अधिक हो रहा हो। यदि ये तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो वैगन या कोच को सर्विस में ना चलाएं। और यदि किसी वैगन का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक और कोच का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तब भी वैगन और कोच को सर्विस में ना चलाएं। आइए अब जान लेते हैं हॉट एक्सल होने से रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें। ये करें, निर्धारित किए गए स्थानों पर रैक का रोलिंग इन परीक्षण अवश्य करें। वेल्डिंग करते समय उचित स्थान पर अर्थ वायर का प्रयोग करें। ROH एवं POH के दौरान बियरिंग को घुमाकर देखें कि उसमें से कोई असाधारण आवाज तो नहीं आ रही। जब भी बियरिंग खोलें, लॉकिंग प्लेट हमेशा नई लगाएं। ROH एवं POH के दौरान सही डिजाइन और सही स्पेसिफिकेशन के स्टड का इस्तेमाल करें। व्हील सेट हैंडलिंग के दौरान ध्यान दें कि बियरिंग सील सही हो, क्षतिग्रस्त न हो। बियरिंग का तापमान लेजर गन से ही नोट करें। बियरिंग की ग्रीस सील पर ओवरहॉलिंग दिनांक नोट करें और सुनिश्चित करें कि बियरिंग की एक्सपायरी तो नहीं हो चुकी है। गेटमैन व स्टेशन मास्टर हमेशा ट्रेन के दोनों तरफ से गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज अवश्य करें। ये न करें, व्हील ट्रेड प्रेस्ड कंडीशन में हो तो कोच या वैगन को ना चलाएं। वेल्डिंग के दौरान रेल लाइन को अर्थ के रूप में इस्तेमाल ना करें। व्हील के ऊपर फ्लैट प्लेसेस का साइज सीमा से अधिक होने पर ना चलाएं। बियरिंग से ग्रीस निकलती हुई अवस्था में वैगन या कोच को सर्विस में ना चलाएं। एक्सल बॉक्स या एडेप्टर को कैंट अवस्था में होने पर सर्विस में ना चलाएं। बियरिंग का एंड प्ले निर्धारित सीमा से ज्यादा होने पर सर्विस में ना चलाएं। लेकिन फिर भी आगे के लिए इन बातों का पूरा ध्यान रखें। अगर ऐसा करेंगे तो किसी को आपसे शिकायत नहीं होगी, लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा। जी सर, मैं अब पूरा ध्यान लगाकर अपना काम करूंगा और लोगों को और रेलवे को शिकायत का मौका नहीं दूंगा।